प्रॉब्लम क्या है, ऊपर तो बढ़ रहा है, नया ऑल टाइम हाई, उसने सबसे टॉप पे खरीदा है। मैंने ऑल टाइम हाई चार्ट में तो, डेली चार्ट पे तो एआर सिंह बोल रहे हैं कि एआर सिंह अगर हॉट का टाइम मिला ना वो भी ले लूंगा यार, मतलब ले लेंगे, चलो ठीक है, डोंट वरी ले लेंगे, बट स्कैम मत करो प्लीज, स्पैम मत कराओ, नहीं करो, चलो फटाफट। हां जजेस सिंह सुनीश नो चश्मा, नहीं भाई अभी तक थैंकफुली माय आइज आर परफेक्टली ग्रेट। कार्डेनो मतलब ये क्रिप्टो स्पेशल, ठीक है वही सिमिलर ट्रेंड यार, क्रिप्टो स्पेशल, उसके बाद दो महीने का, दो ढाई महीने के करीब ये एक साइडवेज ट्रेंड, और आज उसमें से कल, आज बल्कि इनफैक्ट ब्रेकआउट है और नया ऑल टाइम हाई है, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्रिप्टो स्पेशल से आया है, साइडवेज ट्रेंड में भी अगर हम ध्यान से देखें, इनसाइड द साइडवेज ट्रेंड हियर इज द लो, हायर लो, ये भी हायर है इससे, और फिर हाई तो क्लियरली बहुत ऊपर है, ये हाई है, हायर हाई ये वाला, देन हायर हाई ऑल टाइम हाई पुराना वाला और अभी आज नया। सो क्रिप्टो स्पेशल साइडवेज ट्राई नाउ ट्राइंग टू ब्रेक आउट, मेड अ न्यू ऑल टाइम हाई विद इन द साइडवेज हायर 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 लो फॉर्मेशन, तो ये तो हम चार पांच बार मतलब रिहर्सल टाइप का हो गया है, तो मतलब देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, इसको शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, करना ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं बन रहा है, जब तक ये 1.2 वाला जो सपोर्ट है ये नहीं तोड़ देता तब तक इसको शॉर्ट करने का कोई चांस नहीं है, लॉन्ग आपके ऊपर है। अभी ब्रेकआउट आया है कल ही, मतलब कल के बाद आज, तो कल अगर आप ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करते हो तो वो कर सकते हो, अगर आप पुलबैक्स का वेट कर सकते हो और करना चाहते हो तो आप यहाँ पुलबैक का वेट कर सकते हो, दैट इज फॉर यू टू डिसाइड, बट शॉर्ट बिल्कुल अवॉइड करना है, लॉन्ग फॉर यू टू डिसाइड एज आई सेड। मैं एक पास का लेवल कोशिश कर लेता हूँ ढूंढने के लिए, इफ यू कैन फाइंड, या वी कैन फाइंड, इसमें रिट्रेसमेंट आ रही है ना, रेड कैंडल बन रही है भाई, अब इतना बढ़ेगा ना तो थोड़ी रिट्रेसमेंट तो तुम्हारी फटेगी, अभी पहले तुम्हारी फटेगी, फट चुकी है, मैं आराम से 60% लॉस, मैं 60% लॉस पे बैठा हूं तभी हिला हुआ, ये तुम फ्यूचर ट्रेडिंग जो कर रहे हो ना नितिन, तुमको तुमको समझ नहीं आ रहा, 60% लॉस भाई, 2% नीचे आए हैं, अरे मेरे डाउन में है ना लेवरेज, वो ना आरओई 25x, हाउ मच लेवरेज यू टेक, 20 मैन, कोई नहीं लेवरेज, कोई नहीं लेवरेज 5-7 गुना से ज्यादा नहीं लेते, नहीं लेते, बाइनांस ने लेवरेज, बाइनांस या फिर बाकी किसी एक्सचेंज, कैट एस्पिरेंट नाम से आ गया वो सेम इंसान, तो यार सिंह भाई अब नाम बदल बदल क्या हो गया, तो हमको नहीं समझेगा, ऐसा नहीं है, कमेंट कॉपी कर रहे अभी, हाँ ठीक है चलो, तो लेवरेज जो है दैट इज मतलब वो बाइनांस और एफटीएक्स और वो सब एक्सचेंज आपको 100-150 गुना क्यों दे रहे, कि जितना ज्यादा लेवरेज लोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट फीस मिलेगी, दैट डजंट मीन यू शुड टेक इट, दे आर नॉट डूइंग इट फॉर यू, दे आर डूइंग इट फॉर देमसेल्व्स ऑब्वियसली, तो प्लीज प्लीज मत लो, मैं क्या बोलूं इससे ज्यादा, बट अभी सीख ले भाई, हां नो इज नॉट प्रोबब्ली गोइंग टू नॉट लूज, अभी वो इट्स ऑलरेडी 70% अप, एक और परसेंट, एक और परसेंट नीचे आया, हिज लिक्विडेशन हिट्स, चलो एंड दैट इज ऑन अ डे व्हेन इट इज अप बाय 10%, अरे ठीक है कॉइंस लेने मुझे, आई वांट टू यू नो टुडे वी हैड लाइक 50 पीपल वाचिंग द वीडियो, सो आई वांट टू टेक एज मेनी कॉइंस एज वी कैन, अरे वो ठीक है, बाद में बात करेंगे नितिन, या बात करेंगे डेफिनेटली, ठीक है आप लेवल्स बता दो फिर हम बीसीएच करते हैं, तो हायर 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 लो बना रहा है, शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है, हां हायर 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 लो बना रहा है, शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है, लॉट आप से यूट्यूब फिगर आउट, डिड गिव अ ब्रेकआउट यस्टरडे, नाउ इट्स फॉर यू टू डिसाइड, 1.47 यूएसडी इज द सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आज ही ऑल टाइम हाई बनाया, नहीं बता सकते, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट ठीक है, तो BCH जो है मतलब यार देखो कोई चीज, ये कितना है, ये कल का कैंडल इज 53% अप, ओके 53 एंड इट मेड एन ऑल टाइम हाई ऑफ $1500 के पास, 1477 राइट, और मतलब इट वेंट फ्रॉम लाइक ये कितना था ये $470 टू $1400 इन इन जस्ट अबाउट अ मंथ, तो यार इसमें मैं आपको क्या बताऊं,
मतलब आप क्या उम्मीद चाह रहे हो मेरे से, मैं आपको आपके लिए ट्रेड ही कर लूं बाइनेंस में खोल के, और इससे ज्यादा और क्या क्लियर करेगा वो कि भाई मैं बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, प्लीज शॉर्ट मत कर. इट इज दिस सी इट सो द पॉइंट इज जो उसका इसके पहले वाला लेवल है वो $1,000 पे है, जिससे ऑलरेडी 35-40% प्राइस ऊपर है. हमारे पास रिट्रेसमेंट तक नहीं है. 4 आवर चार्ट पे, डेली चार्ट की तो मैं बात भी नहीं कर रहा, 4 आवर चार्ट से निकाला हुआ ये मैंने लेवल जो 1040 वाला. तो मतलब सिर्फ पंप हो गया है, आपको लग रहा है फोमो कर रहा हूँ मैं, पैसे बना लूँ कहीं, फिर लॉस हो रहा है, आप मुझे पूछ रहे हो, पर अब मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा. मतलब दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, दैट आई माइट नॉट बी एबल टू हेल्प बिकॉज नाउ डू द शिप हैज सेल्ड. ऑलराइट, सो बहुत स्ट्रॉन्ग अप क्लियर, मतलब इससे ज्यादा क्या ही वो प्रूफ दे देगा, लिख के देगा क्या कि ये इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड. ओके, लिख के दिया है इनफैक्ट उसने चार्ट पे, ये हियर इज अ लो, हायर लो, ओके, हाई, हायर हाई, और बहुत ही ऊपर ऑल टाइम हाई. ठीक है, सो दो हायर हाई हायर लो चाहिए होते हैं, एक हायर लो मिल चुका है, दो हायर हाई मिल चुके हैं, क्लियरली बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है. शॉर्ट बिल्कुल मत करो, लॉन्ग तो भाई अब देख लो, आ जाए रिट्रेसमेंट थोड़ा तो आपके ऊपर, इफ यू फील कंफर्टेबल ट्रेडिंग लाइक नितिन तो यू कैन लॉन्ग राइट नाउ ऑल्सो, लाइक इट्स अप टू यू, बट शॉर्ट बिल्कुल मत करना, दैट इज व्हाट आई वुड हैव टू से. 1040 इज द सपोर्ट, रेजिस्टेंस तो पता ही नहीं है हमको कोई, मतलब क्योंकि आज Mistakes in crypto make you money. I pinned Neeraj Chah's tweet. His comment. He accidentally bought BCH instead of BTC. I know that because he called me. And now look at it. He's happy. So, but sometimes आप कुछ और buy कर लेते हो, problem हो जाती है. So that is also that. ठीक है, चलो level बता, ले लिया आपने? Yeah, ले लिया. Next is Let's do quickly. Yeah, we might be extending by 5-10 minutes, but not more. ठीक है. हाँ, Aave strong crypto special sideways for 2-3 months now. That is what is happening. ये थोड़ा ज़्यादा ही लंबा खिंच रहा है, पर खिंच रहा है क्या कर सकते हैं? Was looking bearish पहले till this date, till end of March, but and 1, 2, and 3. Three attempts of breaking the support just like SXP, but वहां से नहीं टूटा और अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. ये जो स्ट्रक्चर है इनसाइड द साइडवेज, इट इज मेकिंग बुलिश पैटर्न, मतलब बुलिश पैटर्न एज ए बुलिश स्ट्रक्चर, नॉट पर्टिकुलर पैटर्न. कैंडलस्टिक का योर्स अ लो, हायर लो, वीक को इग्नोर करना होता है, ये मैं बता चुका हूँ. ये यहाँ पे हाई एंड हायर हाई, सो एक हायर हाई हायर लो मिल चुका है, एक और मिलेगा तो हमारा कंफर्मेशन हो जाएगा. विद इन द साइडवेज ट्रेंड है और अंदर काइंड ऑफ बुलिश बना रहा है पैटर्न, अभी कंफर्मेशन बाकी है. तो शॉर्ट तो नहीं करना है क्योंकि एक तो साइडवेज है तो वैसे भी नहीं करना है कोई भी साइड ट्रेड, और विद इन दैट भी अप ट्रेंड बना रहा है तो मतलब कोशिश कर रहा है, अभी बना नहीं रहा, कन्फर्मेशन बाकी है, तो शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करना. लॉन्ग थोड़ा वेट कर लो, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि जो साइडवेज है वो खत्म हो जाए, कन्फर्मेशन मिल जाए अप ट्रेंड का, तो फिर ट्रेड करो तो बेटर रहेगा, बट दैट इज अप टू यू टू डिसाइड. शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना, इज व्हाट आई वुड से. द सपोर्ट इज एट 471, मतलब अभी तक, कल अब और नीचे क्लोज हो जाए तो नहीं पता मुझे, बट अभी तक 471 पे सपोर्ट है, 542 पे रेजिस्टेंस. ओके, फ्लोरिस टीआरएक्स, ये भी वही हाल है कि क्रिप्टो स्पेशल, इसमें एक पुल बैक जरूर था, बट अदरवाइज दिस वॉज अ क्रिप्टो स्पेशल एंड अ वेरी स्टीप रिट्रेसमेंट, बहुत तेजी से नीचे आया और फिर वापस ऊपर जा रहा है. नाउ द गुड थिंग इज ये इतना ज्यादा बड़ा क्रिप्टो स्पेशल था कि ये इतना नीचे आया तो भी दिस इज स्टिल अ हायर हाई, हायर लो, ये लो यहाँ पे लास्ट था, उसके बाद ये हायर लो. ठीक है, द बैड थिंग इज कि ये जो सपोर्ट था उसके नीचे क्लोज हो गया, लेकिन ओवरऑल इट इज स्टिल लुकिंग गुड बिकॉज अब भले क्लोज हो गया लेकिन 2-3 दिन में वापस प्राइस ऊपर चला गया, नाउ इट इज गोइंग अप एंड द प्राइस इज डूइंग वेल. ओके, सो ओवरऑल दिस इज स्टिल वेरी बुलिश. इतने पूरे पैटर्न को अगर हम देखें तो हायर 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 लो देखेंगे, लो हायर लो सो हाई हायर हाई, और अब यहाँ बन रहा है, अभी बना नहीं है तो ये तो और ऊपर जा सकते हैं. सो एक हायर 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 लो मिल चुका है, एक और मिलेगा, फिर हम लॉन्ग साइड ट्रेड देख सकते हैं. शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है, दैट इज व्हाट आई हैव टू से, प्लीज डोंट शॉर्ट, शॉर्ट करने की कोई गुंजाइश नहीं है. लॉन्ग इज फॉर यू टू फिगर आउट कि आप
लॉन्ग करना चाहते हो कि नहीं, बट शॉर्ट अवॉइड करो जब तक ये सपोर्ट नीचे वाला 0.11 वाला जो है वो नहीं टूट के और कंफर्मेशन दिया जाता, मतलब जैसे यहाँ पे भी टूटा था बट यहाँ देखो विक बनने लगी थी बड़ी बड़ी, तो दैट वॉज नॉट अ वेरी गुड साइन। बट अगर स्ट्रॉन्ग मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ए कन्फर्मेशन नहीं होता तब तक शॉर्ट मत करो, लॉन्ग इज फ्री टू डिसाइड। 0.135 यूएसडीटी इज द सपोर्ट रेजिस्टेंस हम नहीं बता सकते क्योंकि वेरी क्लोज टू ऑल टाइम है, मतलब 0.1 इज ऑल टाइम है। ठीक है, 0.135 इज द सपोर्ट, नो रेजिस्टेंस एंड नेक्स्ट इज 1।